हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेश परमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल लेयर थ्री एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हमारी सीरीज का डे टू है। आज तारीख है 28/9/19 और आप अगर इस सीरीज को डेली फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए एग्जाम आने तक आपका अच्छा खासा कंटेंट तैयार हो जाएगा। जिसकी और इसकी पीडीएफ फाइल हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो आइए बिना टाइम गवाए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज के कुछ महत्वपूर्ण 25 से 30 क्वेश्चन जानते हैं। आज के क्वेश्चन क्या हैं, चलो आज ये जानते हैं। दोस्तों, हमारे कुछ पेड कोर्सेज भी आते हैं जिसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर है? तो पश्चिमी से पूर्वी भाग में कितने मिनट का अंतर है अपने को ये बताना है। तो अपने ऑप्शन है यहाँ पे 24 मिनट, 28 मिनट, 32 मिनट या 34 मिनट। तो अपना ऑप्शन डी सही होगा, 34 मिनट, जो कि सही ऑप्शन है 34 मिनट। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितने किलोमीटर है? 870 किलोमीटर है, जिसके हिसाब से 34 मिनट इसका लगभग अंतर है। आपको फैक्ट है, फैक्ट क्वेश्चन है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में पूछा है फ्रेंड्स। तो अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, एक तो सबसे पहली बात तो ये। और इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। और ये कहां पर फैला हुआ है? तो मालवा के पठार में अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। ऑप्शन सी सही होगा, मालवा का पठार। इसकी सबसे ऊंची चोटी भी याद रखनी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भौतिक बनावट की दृष्टि से मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? तो भौतिक दृष्टि के हिसाब से मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है ये बताना है अपने को। ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। तो अपना ऑप्शन सी सही होगा, कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में बांटा गया है। आपको इन 7ों भागों के नाम याद रखने हैं, मैं आपको नाम बोलता हूं, आप अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं 7ों भागों के नाम। सबसे पहला है बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन की घाटी, सतपुड़ा मेकल की श्रेणी और बघेलखंड का पठार। तो ये 7 नाम ले लिए, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है सभी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी, कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कितने जिले, किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किस जिले में नहीं है, उस जिले का नाम बताना है। तो अपने ऑप्शन से यहाँ पे खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा या बिलासपुर। तो अपना ऑप्शन डी सही होगा, बिलासपुर। बिलासपुर में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है। इन 3 जिलों में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है और बिलासपुर में नहीं है। तो अपना सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ किस पठार में स्थित है? धूपगढ़ किस पठार में स्थित है अपने को यह बताना है। तो अपने ऑप्शन से यहाँ पे मालवा का पठार, सतपुड़ा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन की घाटी। तो सबसे पहले तो अपन धूपगढ़ के बारे में जानते हैं, धूपगढ़ क्या चीज़ है। धूपगढ़ एक अपने यहाँ पे हिल स्टेशन पॉइंट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर ऊंचाई है। और किस पर्वत श्रृंखला के अंदर आता है? तो अपना यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के इसमें आता है धूपगढ़। और ये प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। और किस जिले में आता है अगर ये पूछता है, तो होशंगाबाद जिले में आता है। किस जिले में? होशंगाबाद जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था? तो अपने ऑप्शन से यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित रविशंकर शुक्ल, कुंजीलाल दुबे या इनमें से कोई नहीं। तो अपना ऑप्शन ए सही होगा, अपने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका नामकरण कराया था मध्य प्रदेश का, जो कि देश का हृदय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है? तो अपने ऑप्शन से यहाँ पे गोंडवाना लैंड, दक्कन ट्रेप, विंध्यन शेल या नन ऑफ दिस। तो अपना ऑप्शन ए सही होता है, गोंडवाना लैंड का भूवैज्ञानिक दृष्टि से गोंडवाना लैंड का भाग है अपना मध्य प्रदेश। तो सही ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई कितनी थी? अविभाजित बोले तो फ्रेंड्स, मतलब जब छत्तीसगढ़ अपने यहाँ से अलग नहीं हुआ था, जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक ही राज्य हुआ करते थे, उससे पहले की पूछी है। तो ये वर्ड ध्यान रखना है, वर्ड इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। तो
2000 में जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ था मध्य प्रदेश से, तो उससे पहले इसकी पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी थी? 1127 थी, और अब कितनी हो गई है? अब 870 हो गई। तो अपने इसने क्या पूछा है? पूर्व में कितनी थी? कितनी थी पूर्व में? कितनी चौड़ाई थी पूर्व से पश्चिम की? तो पूर्व में कितनी थी? 1127। और अगर नया पूछता है कि विभाजन के बाद कितनी है, तो ये 870 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो अविभाजित कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो जब 2000 में, सन 2000 में छत्तीसगढ़ का नए छत्तीसगढ़ राज्य बनाया था, उससे पहले कितने राज्यों में करती थी? 7 राज्यों में करती थी। और अब हाल फिलहाल में कितने में राज्यों में करती है? 5 राज्यों में करती है। पहले के 7 राज्यों के नाम क्या है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। और इसमें से अब 2 राज्य के अब नहीं करती है, वो कौन से राज्य हैं? एक तो ओडिशा नहीं है और एक बिहार नहीं है, बाकी में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाई जाने वाली धारवाड़ शेल समूह को किस सीरीज की संज्ञा दी गई है? तो सोंसर सीरीज, संकुला सीरीज, चीपली सीरीज या नन ऑफ दिस। तो अपने यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, चीपली सीरीज, जो कि मध्य प्रदेश के कहाँ, कौन से जिले में पाई जाती है? बालाघाट जिले में पाई जाती है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि चीपली सीरीज कहाँ पे पाई जाती, कौन से जिले में होती है? तो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में होती है, ये भी ध्यान रखना है अपने को। और यहाँ पे क्या मिलता है? चीपली सीरीज में मैग्नीज के निक्षेपण मिले हैं, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदान निम्न में से किस सीरीज के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन से यहाँ पे बीजावर सीरीज, ग्वालियर सीरीज, सोसर सीरीज या संकोली सीरीज। तो अपने को बताना है पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदान किस में आती है। तो अपना ऑप्शन ए सही होगा, बीजावर की सीरीज, जिसमें पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खान आती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजपिपला महादेव के काल व राजपिपला महादेव मेकाल, ये पूरा एक वर्ड है, राजपिपला महादेव मेकाल व राजमहल किस पर्वत श्रृंखला के उप विभाग हैं? तो ऑप्शन से यहाँ पे विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली या अजंता। तो अपना सही जवाब होएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, सतपुड़ा, जो कि राजपिपला महादेव वगैरह इस वाले में आते हैं, और ये नर्मदा सोन दक्षिण के पठार में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गंगा और महानदी के बीच जल विभाजक किसका भाग है? गंगा और महानदी के बीच जल विभाजक के बारे में बताना है। तो ऑप्शन से यहाँ पे सतपुड़ा श्रेणी, बघेलखंड पठार और मेकल का पठार, बुंदेलखंड का पठार। तो अपना ऑप्शन सी होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी होगा सॉरी, बघेलखंड का पठार, जो कि गंगा और महानदी के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक खनिज कौन से चट्टान समूह में मिलते हैं? तो आग महाकल्प ऑप्शन से, धारवाड़, पुराना समूह या गोंडवाना। तो अपने यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, धारवाड़, जाके धारवाड़ किस जिले में आता है? बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में पाया जाता है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा चट्टाने समूह पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? तो राजस्थान की सीमा को कितने जिले छूते हैं, ये बताना है। ऑप्शन है 6, 8, 10 या 13। तो सही जवाब होगा अपना ऑप्शन सी, 10 जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं। उन 10 जिलों के नाम क्या है? तो झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर मालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। ये टोटल 51 जिलों में से 10 जिले तो सिर्फ राजस्थान की बॉर्डर को छूते हैं, तो याद रखना है सारे जिलों के नाम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के उन जिलों की संख्या बताइए जो किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते हैं। तो किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते हैं वो उन जिलों की संख्या को बताना है। तो अपने ऑप्शन से यहाँ पे 14, 18, 16 या 21। तो ऑप्शन सी होगा, टोटल कितने? 52 जिले हैं। अभी एक नया जिला बना था अनूपपुर उसके बाद, और इसमें से कितने? 18 जिले ऐसे हैं जो किसी भी दूसरे राज्य की सीमा को नहीं छूते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य से नहीं मिलती है? तो इजी क्वेश्चन से फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश, तो उत्तर में उत्तर प्रदेश से मिलती है, पश्चिम में गुजरात से मिलती है और दक्षिण साइड में महाराष्ट्र से मिलती है। बस उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जिससे मध्य प्रदेश की सीमा नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है?
तो ऑप्शन से गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या कोई नहीं। तो पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है? राजस्थान पड़ता है। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि राजस्थान सॉरी गुजरात पड़ता है पश्चिम में। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है, कुछ बुक्स में राजस्थान का नाम भी दे रखा है पर राजस्थान उत्तर पश्चिम में पड़ता है। अगर सही से पूछेगा एग्जामिनर तो उत्तर पश्चिम का बोल के पूछे तो ही राजस्थान लिखना, अगर सिर्फ पश्चिम पूछता है तो आपको गुजरात आंसर करना है, यही सही है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। इसी के साथ निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? तो उत्तर प्रदेश को कौन से जिले की सीमा स्पर्श नहीं करती है तो ये बताना है। तो ऑप्शन से यहाँ पे अपने भिंड, सतना, शिवपुरी या श्योपुर। तो ऑप्शन डी सही होगा, श्योपुर। श्योपुर उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करती है, जबकि किसकी? राजस्थान की सीमा को स्पर्श करती है। और बाकी ये तीन ऑप्शन भिंड, सतना, शिवपुरी उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है? तो भ्रंश कागर का, कगार का, ये गलत लिखा गया है, गलत टाइप हुआ है यहाँ पे। भ्रंश कगार का, भ्रंश घाटी का, ग्रीवाखंड का या इनमें से कोई नहीं। तो अपना ऑप्शन बी सही होगा, भ्रंश घाटी का उदाहरण है नर्मदा घाटी, जिसकी सबसे ऊंचाई कितनी है? 3,000 मीटर है और ये दक्कन ट्रेप की चट्टाने पाई जाती है नर्मदा घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से प्राचीनतम चट्टाने कौन सी है? तो प्राचीनतम चट्टाने के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन से अपने आप में गोंडवाना चट्टाने, आर्कियन चट्टाने, क्रिटेशियस चट्टाने या तृतीय चट्टाने। तो अपना ऑप्शन बी सही हो गया, आर्कियन चट्टाने, जो कि सबसे पुरानी भूवैज्ञानिक दृष्टि से सबसे प्राचीनतम चट्टाने हैं। ऑप्शन बी आर्कियन चट्टाने। और आर्कियन चट्टाने भारत का प्रायद्वीप पठार, इसी से निर्मित है, आर्कियन चट्टानों से प्रायद्वीप पठार। तो अपना ऑप्शन बी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र में सतपुड़ा श्रृंखला मौजूद नहीं है? तो सतपुड़ा श्रृंखला किस में से मौजूद नहीं है? तो ऑप्शन से यहाँ पे अपने खंडवा, बैतूल, हरदा या छिंदवाड़ा। तो अपना ऑप्शन सी सही होगा, हरदा, जहां पे सतपुड़ा श्रृंखला मौजूद नहीं है, जबकि सतपुड़ा श्रृंखला सतपुड़ा पठार शैली में हरदा जिला आता है पर हरदा उस श्रृंखला में मौजूद नहीं है। बाकी ये तीन ऑप्शन जो है खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, ये सतपुड़ा श्रृंखला में आते हैं। तो अपने को यहाँ पे याद रखना है सतपुड़ा श्रृंखला में कौन सा नहीं है, हरदा है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश का गठन किसकी अनुशंसा पर हुआ था? तो किसकी अनुशंसा पर हुआ था ये बताना है। तो ऑप्शन से पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राज्य पुनर्गठन आयोग या विघटन आयोग। तो अपना यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, राज्य पुनर्गठन आयोग। तो अपन राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में जानते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग बना कैसे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग जिलों के पुनर्गठन की मांग के चलते फेजल अली जो थे उनकी अध्यक्षता में 29 दिसंबर 1953 को इसका गठन हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग का। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? फेजल अली की अध्यक्षता में हुआ था। उसके चलते 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। तो अपने को यहाँ पे सही जवाब होगा, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सागर संभाग का नहीं है? सागर संभाग का जिला नहीं है ये बताना है अपने को। तो अपना यहाँ पे ऑप्शन से पन्ना, टीकमगढ़, दमोह या सतना। तो अपना ऑप्शन डी सही होता है, सतना, जो कि सागर संभाग में नहीं आता है। सागर संभाग में जो फ्रेंड्स कितने 6 जिले आते हैं उनके नाम क्या है? एक तो सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी आते हैं, जबकि सतना किस जिले में आता है? रीवा संभाग में आता है। सतना किस में आता है? रीवा संभाग में आता है। और बाकी ये सारे 6 जिलों के नाम बताए वो सागर संभाग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अपेक्षा मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश का आखिरी जंक्शन भी यही है, इसे भी मध्य प्रदेश का आखिरी जंक्शन भी इसे ही कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चंबल बेसिन में सबसे उत्तरीय जिला कौन सा है? तो चंबल बेसिन में सबसे उत्तरीय जिला बताना है। तो ऑप्शन से यहाँ पे मुरैना, ग्वालियर, विवा नहीं है फ्रेंड्स, ये रीवा है, कौन क्या है ये रीवा और धार। तो चंबल बेसिन में सबसे उत्तरी जिला बताना है। तो अपना ऑप्शन ए सही होगा, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? मुरैना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? तो जल विभाजक का कार्य किसके बीच में? यमुना और सोन के बीच में। तो ऑप्शन है भांडेर, केमूर, मेकाल या मुकुंद द्वारा। तो अपना ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा।